हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी हम लोग बॉर्डर जाने वाला है, किबितो, चाइना बॉर्डर। किबितो से वासा जाएगा और इंडिया का फर्स्ट विलेज काहो, काहो भी विजिट कर लेगा। आप सब वीडियो पर बने रहिए। ये है वालंग, हम लोग जहाँ अभी है ये वालंग है। तो कल हम लोग नामसाई से वालंग आया है। हाँ, ये 90 प्लेन है। यहाँ पे वार हुआ था चाइना इंडिया 1962 में, जब वालोंग वार हुआ था। तो ये नामती प्लेन में चाइनीज आर्मी था। और जो पीछे पहाड़ आप जो देख रहे हैं, अभी तो यहाँ पे कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे पहाड़ में उसमें था इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे वार हुआ था, मेन वार जोन यही था। अभी हम लोग होल थिंग देखने जा रहा है। हम लोग ये गरम पानी रिसोर्ट में आ गया है। आप दोंग जाना हो तो आप इसमें स्टे कर सकता है। इसमें आपका टैंक भी मिल जाता है गर्म पानी रिसोर्ट में। का यहाँ से रात भर यहाँ बैठ के आप कैंप फायर करके आप सुबह 2 बजे यहाँ से दोंग निकाल सकता है। ये आप देखिए, ये है 20 वॉलीबॉल ग्राउंड है। बड़े हैं, वाह। तो पक्सर आप ये रिसोर्ट्स के बारे में थोड़ा जानकारी है तो बताइए मेरा व्यूअर्स को। ये एक्चुअली मैं भी पहला बार देख रहा हूँ। ये हॉट स्प्रिंग सुना गया है कि वहाँ मैंने ये नहाने से कुछ बीमार भी ठीक होता है बोल के सुना है। एंड देन अभी विंटर है, आप देखिए इतना ठंड में आप पानी को छूने से शुरू से लेके वहाँ नीचे तक गर्म रहता है। तो ये इसको देखने के लिए दूर दूर से आदमी लोग आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ सुना, यहाँ देखने को मिला। वो हम लोग को लीड कर रहे हमारा भतीजा, यहाँ का सर्कल ऑफिसर सालम तसिंग। हाय सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आप थोड़ा ये इस एरिया का बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देने से ठीक है आपको? हाँ, ये वेलकम। ये सबसे पहले ये है उसका गर्म पानी, इसका जगह का नाम है गर्म पानी जी। और जो उस तरफ आप देख रहे हैं वो है डोंग बिली। वहाँ पे आप चेकिंग करके जाते हैं फर्स्ट सनराइज देखने के लिए। इंडिया का जो फर्स्ट सनराइज है हमारे अरुणाचल का, तो उसको देखने के लिए आप वहाँ जाते हैं। और ये एरिया है गर्म पानी, ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। इसको रिसोर्ट में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है, तो आप जाके यहाँ पे एकदम लुप्त उठा सकते हैं। यहाँ पे आप टेंट का आपको पैसे मिलेगा, कैंपिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, जो भी आपको एंजॉय करना यहाँ पे कर सकते हैं। ये बेस्ट लोकेशन है। थैंक यू। यहाँ से डोंग बेली कितने आवर्स? डोंग बेली यहाँ से 1 आवर्स अप्रोक्स। अगर आप प्लेन के हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं ट्रेकिंग में, तब तो 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस है ट्रेकिंग में, आप एडवांस से तब तो आपको 1 घंटा लगेगा। थैंक यू सर। ओके, अभी हम लोग गर्म पानी टेस्ट करने जा रहा है। गरम पानी गरम है, एकदम वार्म है। ये इतना ठंडा में ये पानी वार्म है, स्विमिंग पूल टाइप का। रही मिलो तोलिंग मिलो गायलो स्प्रिंग गरम पानी। हाँ, ये हमारा सियो साफ वालंग का हम लोग को ले जा रहा है। ये है यहाँ से निकलता है मेन सोर्स। ये है गरम दूध है। ऐसे वक्त रहेंगे इनबॉक्स पर, बाहर रही तो पूरा गरम दूध है। पहाड़ी पहाड़ी टेन भी कर सकते पार्टी मान ना गायरो डोंग आई तेरा डोंग है तेरा डोंग है वो है डोंग डोंग व्यू पॉइंट डोंग व्यू पॉइंट व्यू पॉइंट इनको लगा सनराइज को देखने के लिए फर्स्ट व्यू पॉइंट। हम लोग जाएगा वहाँ में सुबह सुबह तो सुबह सुबह 2 बजे निकलेगा वालंग से। आप वीडियो में बने रहिए। ये रोहित रिवर है।
सब हम लोग बराकंदन पहुंच गया। यहाँ से चाइना दिखाई देता है, आप किबितो भी दिखाई देगा। तो लंबू का कारण है उनको बिल्डिंग बिल्डिंग का ला तें तें है कहीं को चाइना है। अच्छा वो है चाइना कारण है ते देख चाइना है कारण ते मालिन जापान है ते चाइना और इंडिया का बॉर्डर तें तें ते कमान नोहिम दी ते उन्होंने तें दी ते हम कारण तें दी ते होको तोको ना तें तें कमान और ते कमान अन्य को होको ना बीस ते कमान रिच कमान रिच को कमान उसको बोलता है दिच्चू पॉइंट तेरा लास्ट पॉइंट है। अच्छा तो दिखे तो ना बॉर्डर ये जगह का नाम है बराकुंडन और ये है व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट चाइना इंडिया का बॉर्डर को यहाँ से देख सकते हैं। आप जो वहाँ पे देख रहे हैं लाल कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ना वो है उसका किबितू। और जो सेकेंड पार जो सीधा टाउन दिखाई दे रहा है वो है चाइना का फर्स्ट विलेज, उसका नाम है टातो टातो विलेज। वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है सेकेंड पहाड़ फ्रॉम दिस वो है चाइना इंडिया बॉर्डर, उसको बोलते हैं दिच्चू रिच। दिच्चू रिच वो है तो दिच्चू रिच का सामने में वही है चाइना इंडिया बॉर्डर। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग पहुँच गया किबितू। यह है बिपिन रावत द्वार, आप देख सकते हैं। यह है बिपिन रावत द्वार। ये बिपिन रावत जनरल बिपिन रावत जो जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था उसके याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। बिपिन रावत यहाँ पे 1990s में यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर के रूप में यहाँ पे सर्व किया था देश को किबितू में, तो उसको लेके उसके लिए ये बिपिन रावत का नाम से ये बनाया गया है उसका मेमोरीज में। मेरा पीछे आप देख सकते हैं ये आई लव किबितू लिखा गया है व्यू पॉइंट। गाइस अभी हम लोग यहाँ से वासा बॉर्डर जाएगा इंडिया चाइना फ्रेंडशिप गेट को देखने के लिए। आप वीडियो पर बने रहिए। फोटो खींची तो होगा ईस्टर्न मोस्ट बेकरी का ये सामान प्रोडक्ट बेस ऐसे ईस्टर्न मोस्ट बेकरी ऑफ इंडिया की बीते हुए है। कॉपी ले रहे कॉपी बेकरी कम रेस्टोरेंट मोमो है बिस्कुट बिस्कुट है पूरा। ये है लोहित रिवर। अभी हम लोग लास्ट बॉर्डर में जा रहा है और यहाँ में सिविलियन को अलाउ नहीं है, हम लोगों ने स्पेशल परमिशन लिया गया है। ये है चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर लास्ट मना चो अंदर मना है वीडियो और फोटोग्राफी करने का। आप देख सकते हैं इंडिया चाइना लिखा गया है। अभी हम लोग काहो विलेज देखने के लिए जा रहा है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। अभी हम लोग ये काहो विलेज पहुंच गया। ये है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया काहो। उस पर आपका वो चाइना है। अभी हम लोग को दिचू जाना है आपका बॉर्डर। तो दिचू आप अभी हम लोग को आर्मी रुका गया है तो परमिशन मिलने से हम लोग जाएगा, नहीं मिलने से उपाय नहीं, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया है दिसू जाने का। कल हम लोग डोंग वैली जाएगा, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होगा डोंग वैली। अभी हम लोग डोंग वैली जा रहा है फर्स्ट टाइम देखने के लिए। अभी साल एक हो गया।